जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। तो मित्र लोगों, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे चौथे का पौधा कहते हैं। तो राम राम दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं शाम के 5 बजे। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर वालों के साथ व्यस्त होंगे। तो कल तो मैंने दिखाया था अपने बगीचे में फल फ्रूट, आज हम दिखाएंगे आपको साग सब्जियां और कुछ फूल। तो आइए मिलते हैं। तो मित्र लोगों, मैं फिर से चल पड़ा हूँ अपने 11 नंबर के यान में। तो हम आपको पहले दिखाएंगे मक्के का खेत, जिसे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कैकनी। तो आइए दिखाते हैं। तो गाइज, ये है मक्के का पौधा, जिसको हम हिंदी में बोलते मक्का और पहाड़ी में बोलते कैकनी। तो गाइज, हम कैकनी को घाव में डाल के गरम गरम करके फर्स्ट क्लास लपेटते हैं। तो गाइज, एक बार फिर से हम चले अपने 11 नंबर के यान में, और यहाँ पर बारिश आ चुकी है, इंद्रदेव भी खुश हो चुके हैं। क्या ब्लॉग बना रहा वाली है गाइज, सपोर्ट करें। तो हम आपको ले चलते हैं इस बारिश में पोलिया हाउस के अंदर। तो ये देखिए गाइज, टमाटर, हाल ही में इसकी मांग बहुत बढ़ चुकी है टमाटर की। तो मित्र लोगों, एक बार फिर से हम चल पड़े अपने 11 नंबर के यान में। अब हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर और क्या क्या सब्जियाँ लगाई है, दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए गाइज, ये है पत्ता गोभी, काफ़ी भयंकर हेल्थी है, मोटा भर वधा रही हो वो बहू। तो हम फिर से एक बार चल पड़े हैं धीरे धीरे। अब हम आपको और दिखाते हैं क्या लगाया यहाँ पर। तो हम आपको दिखाएंगे करेला, कथिति तुझ बबहू करेला। मित्र लोगों, ये है करेले का पौधा, इसमें होंगे अभी करेला ये। तो मित्र लोगों, एक बार फिर से हम चल पड़े हैं अपने 11 नंबर के यान में। हम आपको दिखाएंगे लौकी, लौकी का झूल दिखाएंगे गाइस। तो ये देखिए गाइस, लौकी का तना देखिए, ये टमाटरों के बोटों ने ये लौकी के बेल में अपना दबदबा बना रखा है ये। तो गाइस, एक बार फिर से हम चल पड़े हैं अपने 11 नंबर के यान में, दिखाते आगे आपको क्या हुआ है। तो इस वाले पोलियास से निकलकर हम दूसरे पोलियास में जाते हैं, दूसरे पोलियास में अटैक करते हैं, उसमें देखते हैं क्या हुआ है। तो इस वाले पोलियास में जरा खान कचूरी क्या हुआ है देखते हैं। अरे ये देखिए परम मित्रों, दिस इज ए काकड़ो, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ये देखिए कई जहर। तो एक बार फिर से हम धीरे धीरे आगे को चलते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं ये मित्रों, आप सोच रहे ये क्या है डब्बा, इससे जब सब्जियों में कीड़ा लग जाता है तो इससे कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जाता है। तो इसका छिड़काव टमाटर के बोटों में किया जाता है, वहाँ से कीटनाशक दवाई डाल के कीड़े मरकर स्वर्ग में पहुँच जाते हैं, जो तुरंत नया जन्म लेके गोभी के पत्तों में तथा शिमला मिर्च में अटैक करते हैं, हमला। कैसा लगा मेरा मजाक? तो ये देखिए गाइस, टमाटर के बोट से हमला करके सीधे शिमला मिर्च में अटैक कर दिया। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ताजा ताजा गिर रहा है। ये भी सोच रहा होगा मेरी भी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी यार, क्या बोला तूने। तो एक बार फिर से मित्रों, हम फिर से लग चुके हैं अपने 11 नंबर के यान में। अब हम आपको दिखाएंगे शिमला मिर्ची का पौधा। ये देखिए मित्रों, ये है शिमला मिर्ची का पौधा, ये शिमला मिर्च। तो गाइस, यहाँ से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, अभी बाहर तो बारिश चल रही है, फिर भी मैं आपके लिए ब्लॉग बना रहा हूँ गाइस, सपोर्ट करें यार गाइस। तो ये देखिए गाइस, ये पुराना पोलिया काफ़ी नाजुक स्थिति में झुका है अभी, और इसके ऊपर है ये लौकी का बेल। तो मित्रों, हम फिर से एक बार अपने 11 नंबर के यान में चल चुके हैं। हम आपको दिखाएंगे मूली, जिसको पहाड़ी में बोलते हैं चोता। तो आइए दिखाते हैं चोते का पौधा। तो मित्र लोगों, दिस इज ए मूली का पौधा, ये देखिए, इसे पहाड़ी में बोलते हैं चोता। तो एक शायरी हो जाए, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। तो मित्र लोगों, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे चोते का पौधा कहते हैं। तो मित्र लोगों, एक बार फिर से हम चल चुके हैं अपने 11 नंबर के यान में। तो अब हम यहाँ बाहर तो बहुत भयंकर बारिश लगी है, ऐसे में ब्लॉग बना रहे गाइस। ये देखिए बारिश, देखिए ये देखिए गाइस, काफ़ी बारिश चल रही है सामने हमारा घर। तो ऐसे बारिश में फिर से हम एक बार अपने 11 नंबर के यान में चल चुके हैं आगे को। अब दिखाते हैं हम आपको क्या हुआ आगे। तो मित्र लोगों, ये देखिए बैगन, इसके पुडिया में पोलियो हुआ है क्या गाइस, ये देखिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। एक बार फिर से गाइस, ऐसे बारिश में हम फिर से चल चुके हैं, हम आगे को चलते हैं, आप दिखाते हैं क्या हुआ है।
तो यहाँ पर देखिए, हम आपको दिखाएंगे अब कद्दू। तो ये देखिए गाइस, ये है कद्दू का बेल। तो गाइस बारिश में भीग कर काफी मजा आ रहा है, मैं खास कर ले जा लूँ मैं बात ना भाई। तो हम आपको दिखाएंगे मडुआ। ये देखिए गाइस, ये है मडुआ, जिसको बोलते हैं पहाड़ी में मुंड। तो गाइस मडवे की रोटी के लिए एक शायरी है, वो व्हाट इज दिस मुंड रोट खाचे नून पीस। क्या बोला तूने? गड़ों में डैब खा के हम आपको आगे दिखाएंगे मिर्च। तो ये है मिर्च का पौधा। तो मित्र लोगों, कंटेंट की कमी होने के कारण मैं पहले स्टार्टिंग में ऐसे ही बना ले रहा हूँ घर के आसपास ब्लॉग। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे को एक से एक ओपी लेवल वाली वीडियो आती रहेंगी गाइस। फिर से एक बार आगे को चले हौले हौले कदमों के साथ अपने 11 नंबर के यान में। अब हम आपको दिखाएंगे सिन्नूबोर, जिसको हाथ में लगते ही एकदम 440 वोल्ट का झटका लगता है, झन 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 झन। तो ये है मित्र लोगो, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिच्छू घास, और हमारी पहाड़ी बाबा साहब बोलते हैं सिन्नू। सिन्नू के हाथ में लगने से होती है झनझन, जिससे खोपड़ी हो जाती है भन भन। एक बार मित्र लोगों, फिर से 11 नंबर के अपने यान में हम चल चुके आगे को। अब हम आपको दिखाएंगे फूल। तो ये हमारे बगीचे में पहला फूल, दूसरी वैरायटी का फूल। तो ये है मित्र लोगों तीसरा फूल, जिसे कहते हैं राजा रानी। इस पे एक शायरी हो जाए, राजा रानी बड़ी सयानी, खाए कद्दू निकाले बिरयानी। एक बार फिर से मित्र लोगों, 11 नंबर के यान में आगे को चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए मित्र लोगों, काफी बढ़िया पौधा ये है गाइस। एक ये। तो मित्र लोगों, एक बार फिर से मैं चल पड़ा हूँ आगे को। तब तक आगे चलने से पहले एक शायरी हो जाए। शेर सुनाओ शायरी सुनाओ गाँव कोई गाने, शेर सुनाओ शायरी सुनाओ गाँव कोई गाने। आप लोग मुझे सपोर्ट करो, एक दिन आप हो जाओगे मेरे ब्लॉग के दीवाने। तो गाइज मेरी इस तड़कती फड़कती शायरी का कोई जवाब तो है नहीं, कमेंट में बताइए मेरी शायरी कैसी लग रही। तो मित्र लोगों, आज के लिए इतना ही, बिना किसी बकचोदी के वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।